सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो सब? कैसे आई होप आप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं फिर से आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड के अनुसार, आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट के अनुसार एक बार फिर से जो है मैं आज का कलेक्शन लेकर आ चुका हूँ एचएमबी मालावत मोटर्स का। ये दोस्तों, हर बार की तरह यहाँ की जो फर्म है, ये जो डीलरशिप है एचएमबी मालावत मोटर्स, उन पर क्या कि ज़्यादातर पिकअप ट्रक्स ही दिखाया करता था। ये दोस्तों, इनका मेन काम तो क्या है कि लाइट कॉमर्शियल व्हीकल का रहने वाला है। ये दोस्तों, आज जो क्या है कि उनको मतलब उन सबको साइड में रखकर और आज का जो कलेक्शन रहने वाला है वो बिल्कुल यूनिक कलेक्शन रहने वाला है एचएमबी मालावत मोटर्स की तरफ से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो स्कॉर्पियो के बारे में, जो कि ब्लैक स्कॉर्पियो लवर है उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है और चीपेस्ट प्राइस में मिलने वाली है स्कॉर्पियो। तो बाकी वीडियो में डिटेल जानेंगे। और मेजर जी दोस्तों, दो मेजर सामने खड़ी हुई है, एक इवन है और एक अल्टो है। तो दोस्तों, आज की मतलब वीडियो में हम पांच गाड़ियां कवर करने वाले हैं, पांचों की पांचों चीपेस्ट रहने वाली है और सर्टिफाइड बिल्कुल शानदार कंडीशन की रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं वन बाय वन करके सभी गाड़ियों को। लेट स्टार्ट। ऑलराइट गाइज, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं स्कॉर्पियो के बारे में। तो दोस्तों, देख सकते हो कितनी शानदार कंडीशन की, कितनी जेन्युइन कंडीशन की, मतलब ब्लैक घोड़ा, जिसको ब्लैक घोड़ा बोला जाता है, ब्लैक लवर स्कॉर्पियो जो होते हैं उन लोगों के लिए गाड़ी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर गाड़ी की अगर मॉडल की बात करें तो मॉडल नंबर रहने वाला है, मॉडल नंबर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप खुद सजेस्ट कीजिए गाड़ी कौन सी रहने वाली है। ये दोस्तों, आप इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल देखकर मतलब सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी एस एलेवन है, ना ना, आप गलत सोच रहे हो, ये गाड़ी रहने वाली है S10। ये दोस्तों, S10 वेरिएंट रहने वाला है और इस गाड़ी का मॉडल नंबर रहने वाला है 2017। ये दोस्तों 2017 मॉडल है, ना कि 18-19। ये दोस्तों, 18 के बाद में तो वैसे भी S11 आ गई थी, ये गाड़ी 2017 मॉडल रहने वाली है और इस गाड़ी को पूरा का पूरा कन्वर्ट किया हुआ है S11 के अंदर। ये दोस्तों, S10 को S11 में कन्वर्ट किया गया है, मतलब पूरी पूरी मॉडिफाइड गाड़ी को स्टाइलिश बनाने के लिए, न्यू जनरेशन बनाने के लिए कंपनी में इस गाड़ी का पूरा काम करवाया हुआ है, मतलब S10 से मतलब 11 में कन्वर्ट करवाने के लिए पूरी गाड़ी का काम कंपनी में करवाया हुआ है। जैसे कि मैं आपको 360 डिग्री एंगल से मैं आपको सिनेमेटिक शॉट दिख जाएंगे, इस गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर बिल्कुल ज़बरदस्त मिलने वाली है। रनिंग की अगर बारे में बात करूँ तो 1,00,000 किलोमीटर इस गाड़ी की रनिंग हो रही है। बाकी ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल पेपर्स इन गाड़ियों के वैसे भी कंप्लीट मिलने वाले हैं, आपको सभी को पता है कि गाड़ियाँ सड़क पर चलती है तो सभी पेपर्स कंप्लीटली वैसे भी मिलने वाले हैं। 1,00,000 किलोमीटर चली हुई है और दोस्तों गाड़ी बिल्कुल वेल मेंटेन रखी गई है और माइलेज वगैरह सब कुछ पता है। और जो स्कॉर्पियो खरीदते हैं तो वो तो स्कॉर्पियो खरीदेंगे। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर गाड़ी की अगर प्राइस रेंज की अगर बारे में बात करूँ, आसिंग प्राइस के बारे में, तो दोस्तों इस गाड़ी की आसिंग प्राइस रहने वाली है 11.5 लाख रुपये। ये दोस्तों 2017 मॉडल है, अगर आसिंग प्राइस की अगर बारे में बात करूँ तो मात्र 11.5 लाख रुपये इस गाड़ी को, मतलब 11.5 लाख रुपये लाइए और इस गाड़ी को आज ही अपने घर ले जाइए। और दोस्तों, जो मैंने प्राइस रेंज बताई है वो ओनली फॉर आसिंग प्राइस है, ना कि फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस वही होगी, जैसे मान के लिए ये गाड़ी आपको पसंद आती है तो आप टेस्ट ड्राइव लेने के लिए आओगे, 360 डिग्री एंगल से पहले पूरी गाड़ी को देखिए, परखिए, फिर बाद में जो डीलिंग का प्रोसेस होगा उस टाइम जो नेगोशिएट किया जाएगा ज़रूर इस 11.5 लाख रुपये प्राइस रेंज में। बाकी इंश्योरेंस वगैरह रनिंग कंडीशन में मिलने वाला है और बम्पर से लेकर बम्पर तक गाड़ी विदाउट एक्सीडेंट रहने वाली है, कैसे कोई एक्सीडेंटल वगैरह कुछ भी नहीं हो रखा है, बिल्कुल साफ़ सुथरी रखी गई है। और बाकी S10 को S11 में कन्वर्ट किया हुआ है गाड़ी को और बाकी बिल्कुल साफ सुथरी इंटीरियर एक्सटीरियर ज़बरदस्त मिलने वाला है। अलॉयज भी इस गाड़ी के चेंज हो रखे हैं, S11 के लग रखे हैं, और पीछे के जो टेल लाइट वगैरह सब कुछ है वो S11 के लगे हुए हैं। बाकी ये ग्रिल वगैरह सब कुछ देख सकते हो, मतलब टोटल S11 बनाई हुई है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात, प्राइस रेंज भी बता दी है, आसिंग प्राइस भी बताई है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के लोन के बारे में, लोन कितना परसेंट तक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी को लोन पे खरीदना चाहते हो, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी होती है, आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है, तो इस पर्टिकुलर गाड़ी पर 95% प्लस तक जो लोन की फैसिलिटी ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो अप्रॉक्स मान सकते हो 10 लाख रुपये के आसपास इस गाड़ी पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए, ये तो हो गई अपनी स्कॉर्पियो। बाकी इसकी साइड गुल्लुक वगैरह सब कुछ देख सकते हो, एमओ की ब्रांडिंग मिलने वाली है, D140 की ब्रांडिंग मिलने वाली है, स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग मिलने वाली है। और जैसा कि मैंने देख सकते हो, पहले बता दिया कि अलॉयज भी इस गाड़ी के अंदर चेंज हो रखे हैं। तो दोस्तों, ये हो गई S11 के बारे में डिटेल। तो अब बात करते हैं जो रियर की जो गाड़ियाँ हैं, जी दोस्तों, जो रियर की गाड़ियाँ हैं, जैसे मेजर वगैरह, दो मेजर खड़ी हुई है, एक इवन खड़ी हुई है, एक अल्टो खड़ी हुई है, इनकी भी बात करेंगे। पीछे का लुक भी एक बार आप देख सकते हो, बिल्कुल S11 जी दोस्तों, टेल लाइट वगैरह S10 में है, मतलब क्रोम टाइप का लगा रखा है, लेकिन आता है, आप सभी को पता है S10 में क्रोम टाइप का आता है, तो इसमें ब्लैक कलर का लग रखा है, मतलब टोटल इस गाड़ी को चेंज किया हुआ है S11 में। हल्की फुल्की चेंजिंग है, बाकी मेजर थोड़ी है, बाकी जो बॉडी लाइन वाइज में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो रही है, जो कि कंपनी में करवाई हुई है, ना कि बार बार से कुछ भी काम नहीं हुआ है, जो भी हुआ है कंपनी में हुआ है इस गाड़ी का। तो प्राइस रेंज वगैरह सब कुछ मैंने बता दिए। तो अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों, जो अभी कोई भी मतलब किसान भाई
या फिर कोई युवा भाई कोई थार चलाते हो तो वो इस गाड़ी को ज़रूर याद करते होंगे। ये दोस्तों जो अभी थार चला रहे हैं ना, तो मैं बेसिकली मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि 90% प्लस तक पहले उनके पास मेजर ही गाड़ी हुआ करती। तो दोस्तों ये है मेजर, काफ़ी लोगों की दिलों पर याद करने वाली, राज करने वाली गाड़ी मेजर। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर गाड़ी की अगर मॉडल की बात करें तो 2010 मॉडल की रहने वाली है महिंद्रा मेजर जीप, बिल्कुल साफ़ सुथरी, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हो फ्रंट प्रोफाइल। और HMB मालावत मोटर्स की तो बात ही क्या करनी है, क्योंकि सदियों से चलता आ रहा है, समथिंग 15 साल अबव हो चुका है इनको गाड़ियां लेकर बेचने का कारोबार करते हुए। बाकी इनके मतलब फ्रंट के बिज़नेस और भी है, तो मतलब अगर आप इन गाड़ियों में कोई सी भी गाड़ी अगर परचेज करने आते हो दूदू में तो बेझिझक आइए, क्योंकि सर्टिफाइड गाड़ियां रखते हैं। पेपर्स इस गाड़ी के कंप्लीट मिलने वाले हैं, इंश्योरेंस वगैरह रनिंग कंडीशन में मिलने वाले हैं। और बाकी तो आप आइए गाड़ी को देखिए, परखिए 360 डिग्री एंगल से देखिए और विजिट कीजिएगा और डील कीजिएगा। बाकी चारों टायर्स इसमें न्यू कंडीशन के मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी की आसिंग प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी की आसिंग प्राइस रहने वाली है ओनली फॉर 3,99,000 रुपये कैश में। जी दोस्तों, 3,99,000 रुपये कैश में लाइए और इस गाड़ी को अपने घर ले जाइए कैश में। लोन की अगर बारे में बात करूँ तो अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी होती है दोस्तों, कोई सी भी गाड़ी हो, कोई से भी XYZ समथिंग 7-8 मॉडल के ऊपर जो गाड़ियाँ होती हैं उन सब पे लोन की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर गाड़ी पर भी क्या है कि लोन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, आज का जो स्टॉक है उन सब पे लोन की फैसिलिटी अवेलेबल रहने वाली है, 80 से 85 ऑलमोस्ट 90 अबव अकॉर्डिंग टू आपकी मतलब सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस गाड़ी पर क्या है कि 3.5 लाख से लेकर 3,75,000 रुपये तक का, जी दोस्तों 3,75,000 रुपये तक का मैक्सिमम लोन भी हो सकता है इस गाड़ी पर। तो दोस्तों और बाकी इंटीरियर इतना बिल्कुल फ्रेश इंटीरियर मिलने वाला है। म्यूजिक सिस्टम की अगर बारे में बात करूँ वो भी बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल साफ़ सुथरा, मतलब जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो म्यूजिक सिस्टम आया करते हैं वो के वो इस गाड़ी के अंदर, बेस ट्यूब वगैरह, JBLs के स्पीकर वगैरह सब कुछ इस गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। मतलब आप तो इस गाड़ी को आइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए और डील कीजिएगा और डीजल डलवाइए और चलाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये फिर से चमचमाती अपनी दूसरी मेजर गाड़ी, ये दोस्तों दूसरी गाड़ी मेजर। तो दोस्तों इस गाड़ी की अगर मॉडल की बात करें तो इस गाड़ी का मॉडल नंबर रहने वाला है 2004। ये दोस्तों 2004 मॉडल है और ये 2010 थी। तो इस गाड़ी को आपको देखकर ये लग रहा होगा कि ये 2004 मॉडल है। ये दोस्तों माइनर, ये दोस्तों इस गाड़ी पर क्या है कि माइनर टचिंग हो रखी है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि 2004 मॉडल गाड़ी है, तो एब्सोल्युटली आपको पता है कि धूप में खड़ी होती है तो इंसान का कलर डल हो जाता है, तो गाड़ियाँ हैं तो हल्की फुल्की इस गाड़ी पर टचिंगें भी ढली हुई है। तो 2004 मॉडल है, बाकी इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन लाइन इन मतलब बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, कैसे किसी प्रकार की कोई इश्यूज़ वगैरह कुछ भी जो है देखने को नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस, E1 भी है, वैसे अल्टो भी है, इन सब की भी बात करेंगे तो अभी नेक्स्ट मेजर की बात कर रहे हैं अपन। तो ये 2010 थी, ये 2004 मॉडल है, बिल्कुल फ्रेश है। पेपर्स वगैरह वैसे भी कम्प्लीटली मिलने वाले हैं, इंश्योरेंस वगैरह और बाकी जितने भी होते हैं इन सब के पेपर्स, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल रहने वाली है ही। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस रेंज मतलब आसिंग प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इस गाड़ी की आसिंग प्राइस रहने वाली है 3 लाख रुपये। दोस्तों 3 लाख रुपये देकर इस गाड़ी को अपने घर ले जा सकते हो। और जो मैंने कैश की प्राइस रेंज बताई है वो ओनली फॉर आसिंग प्राइस है, ना कि फिक्स प्राइस, नेगोशिएबल किया जाएगा सभी गाड़ियों में। चलिए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आ जाती है अपनी ईवन। ये दोस्तों ईवन, ये क्या है कि थोड़े मतलब दिनों से यहाँ पर खड़ी हुई है तो थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह लग रहा है इस गाड़ी पर, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। नॉमिनी ही अपन इस गाड़ी की सर्विसेज करवाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। जी दोस्तों बिल्कुल शोरूम कंडीशन मिलने वाली है। तो दोस्तों इस गाड़ी की अगर मॉडल की बात करें तो इस गाड़ी का मॉडल नंबर रहने वाला है 2013। जी दोस्तों 2013 मॉडल गाड़ी रहने वाली है और बिल्कुल बम्पर से लेकर बम्पर तक बिल्कुल फ्रेश मिलने वाला है। बाकी इन बम्पर्स की तो मैं बोल नहीं सकता अगर इनमें मतलब कुछ कलर वगैरह हो रखा हो तो, बाकी इंजन लाइन इंटीरियर इन सब की मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल फ्रेश मिलने वाला है, स्टॉक मिलने वाला है। बाकी बम्पर्स पे तो आपको पता है कि सभी बम्पर्स पे पेंट मिलते हैं, हल्की पुल्की टचिंग सभी गाड़ी में मिलती है। तो बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह इंटीरियर मिलने वाला है, बिल्कुल फ्रेश मिलने वाला है। टायर्स ऑलमोस्ट सारे कम्प्लीटली मिलने वाले हैं, मतलब अब अगर टायर्स की बात करूँ तो 85% प्लस तक मिलने वाला है। और बेसिकली अगर इस गाड़ी की आसिंग प्राइस की बात करूँ तो इस गाड़ी की आसिंग प्राइस रहने वाली है 2,21,000 रुपये कैश में। जी दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को कैश में परचेज करना चाहते हो तो आपको 2,21,000 रुपये पे करने होंगे, समथिंग 1,99,000 रुपये तक कर लो, लोन भी प्रोवाइड हो जाएगा इस गाड़ी पर अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल अच्छी होगी तो। तो दोस्तों इस गाड़ी की मैंने डिटेल बता दी है, इंटीरियर एक्सटीरियर आपको सिनेमेटिक शॉट्स पे दिखने वाला है। रही बात ओल्ड डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स की तो वो भी आपको इस गाड़ी के कम्प्लीटली मिलने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आज की मतलब HMB मालावत मोटर्स की तरफ से लास्ट गाड़ी बची हुई है 2010 मॉडल मारुति अल्टो LXi। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर गाड़ी की भी देख सकते हो फ्रंट प्रोफाइल,
वैसे मॉडल वाइज ठीक ठाक कंडीशन की मिलने वाली है। हल्की पुल की क्या है कि इस गाड़ी पर माइनर सी टचिंग है मिल सकती है जी दोस्तों, माइनर सी मतलब टचअप हो रखा है, ये मैं बोल नहीं सकता, मतलब वैसे फेंडर वगैरह पे हो सकता है। बाकी और स्टॉक गाड़ी है वैसे एक्सीडेंटल नहीं मिलने वाली है, फ्रेश मिलने वाली है। इंजन लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खुद ने ड्राइविंग की है और चारों टायर्स इस गाड़ी के न्यू मिलने वाले हैं 99% अबव जी दोस्तों। अभी तक टायर ढलवाकर समथिंग 1000 किलोमीटर भी गाड़ी ड्रिवन नहीं हुई है अभी तक, तो समथिंग देख सकते हो बम्पर से लेकर बम्पर तक वैसे ओरिजिनल मिलने वाली है, माइनर से टचअप हो सकते हैं इस गाड़ी पर। तो 2010 का मॉडल है मारुति अल्टो एलेक्साई, मारुति सुजुकी की अल्टो एलेक्साई। शॉकिंग प्राइस रहने वाली है, बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस रेंज मिलने वाली है। कई डीलर्स इस गाड़ी के मतलब समथिंग 1,25,000 प्लस मांगते हैं जी दोस्तों, कई डीलर्स पर इस गाड़ी के अगर आप रेट कंफर्म करोगे तो 1,25,000 से भी अबव मांगते हैं। तो दोस्तों अचंबी मोटर्स जी दोस्तों, अचंबी मालावत मोटर्स पे ये गाड़ी आपको मिलने वाली है केवल और केवल 80,000 रुपये की जी दोस्तों, केवल 80,000 रुपये लाइए और इस गाड़ी को आज ही अपने घर ले जाइए। ऑलमोस्ट 100% जी दोस्तों, 100% इस गाड़ी पर लोन की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, केवल आपके पैसे लगेंगे पेपर फॉर्मेलिटीज़ के जी दोस्तों, नाम ट्रांसफ़र वगैरह जो भी होंगे माइनर पेपर फॉर्मेलिटीज़ के पैसे लगने वाले हैं। बाकी 100% इस गाड़ी पर लोन भी हो जाएगा। बाकी इस गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर वगैरह आपको सब कुछ जो सिनेमेटिक में मिलने वाला है। बाकी तो दोस्तों देख सकते हो आज मैंने कवर करवाई है 5 गाड़ियाँ ऑलमोस्ट। हाँ, हर टाइम इस यहाँ के जो डीलरशिप की जो मैं गाड़ियाँ विजिट करवाता हूँ वो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल होता है, जैसे टाटा महिंद्रा बोलेरो CBC पिकअप ट्रक FB XL वगैरह सारी पिकअप्स इनके पास अवेलेबल मिलती है। वैसे और भी बिजनेसेस हैं इनके, बाकी तो मैं सारे के वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कवर करवाया, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल गाइस, धन्यवाद।